हाय, मैं हूँ मिकी माउस। और मैं हूँ जेम्स। और आज मैं एनिमी असेंबल पर इंटरव्यू दूंगा। और मैं भी इंटरव्यू दूंगा। मैं भी और मैं भी दूंगा। तो हो जाए। सो हे गाइस, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और बहुत ही मजा आ रहा है। टाइटल थंबनेल देख ही लिया होगा, फिर भी गेस करो आज क्या होने वाला है। याद है जब हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे तो हम लोग ने नेशमा मैम का इंटरव्यू लिया था, जो कि ऑफिशियल हिंदी वॉइस है ब्लैक विडो की एवेंजर्स में, और साथ में मिस्टी की कार्टून नेटवर्क डब में। ओल्ड डबिंग की बात कर रहा हूँ, और मैं जो कैरेक्टर है उनका न्यू डब में। तो आज ये वीडियो भी ऑफिशियल होने वाला है, क्योंकि आज मैंने इन्वाइट किया है एक ऑफिशियल वॉइस एक्टर को, जिन्हें आप रोज टीवी पर सुनते हैं, और आज आप उनकी वॉइस सुनेंगे। और मैं बता नहीं सकता, इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं राजेश शुक्ला सर, जो कि ऑफिशियल हिंदी वॉइस है जेम्स की पोकेमॉन में। हाँ, यही वॉइस ये सर ही देते हैं, और यही नहीं बल्कि वो मिकी माउस जैसे पॉपुलर कैरेक्टर को भी अपनी वॉइस देते हैं। और आपको डाइची तो याद होगा बेबलेट जी रिवॉल्यूशन से, ये बच्चा जो कि इतनी कॉमेडी करता था, इसे भी सर ने ही अपनी वॉइस दी थी। तो मुझे तो ये कैरेक्टर बहुत फनी लगता था, और आपको कितना फनी लगता था कमेंट में ज़रूर बताना। तो मुझे पूरा यकीन है आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो इसी खुशी में लाइक करो वीडियो को। तो इस बार का लाइक है मैं 500 लाइक्स, क्योंकि ये एक स्पेशल वीडियो है, ऐसे वीडियो बहुत ही कम मिलते हैं, और ये बहुत ही मस्त वीडियो है, क्योंकि हमारे साथ है ऑफिशियल पोकेमॉन के हिंदी डब आर्टिस्ट। तो प्लीज़ लाइक एम कंप्लीट कर देना, और साथ में शेयर भी करना, ताकि सब जान पाए कि कौन है हमारे जेम्स की, मिकी माउस की और डाइची की हिंदी वॉइस। और यार, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना ऐसे ही ऑसम पोकेमॉन वीडियोस के लिए। पहले थैंक यू सो मच, ये हम फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप ये इंटरव्यू दे रहे हैं हमें, और सारे के सारे आपके फैंस और पोकेमॉन फैंस, मिकी माउस फैंस, बेबलेट फैंस, सभी इस वीडियो को पूरा इंजॉय कर रहे हैं और मज़े उठा रहे हैं। सर, इसी के चलते मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है पूछना चाहूँगा, कि क्या आपको मिकी माउस और जेम्स का कैरेक्टर पसंद है? तो प्लीज़ हमें ये ज़रूर बताएं सर। और जेम्स जो है वो थोड़ा विलन टाइप है, और मिकी माउस वहीं पर बहुत ज़्यादा स्वीट है, तो आपको क्या ये दोनों कैरेक्टर पसंद है? ओके, सर, पहला सवाल है कि सर, क्या आपको जेम्स का कैरेक्टर और मिकी का कैरेक्टर पसंद है? हाँ, मुझे जेम्स और मिकी का कैरेक्टर बहुत पसंद है, और मेरे टॉप 10 कैरेक्टर्स में से मैं मिकी और जेम्स को ज़रूर रखूँगा। टॉप 3 में इनफैक्ट मैं मिकी और जेम्स को रखूँगा। तो ये दोनों ही कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि इन दोनों की वजह से काफ़ी लोगों ने मुझे जाना है, और जितने मिकी के फैंस हैं उतने ही जेम्स के भी फैंस हैं, तो मुझे बहुत ये दोनों ही मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। और सर, उसमें आपने अपनी वॉइस दी है, तो उन्हें कौन पसंद नहीं करेगा? आपकी वजह से उनमें और भी ज़्यादा रियल फीलिंग आती है। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको जेम्स का कैरेक्टर और मिकी माउस का कैरेक्टर डब करने के लिए कैसे मिला? जैसा कि आप सब जानते हैं, डबिंग में कोई भी कैरेक्टर अगर किसी को मिलता है तो उसके लिए ऑडिशंस रखे जाते हैं, और उसमें सारे आर्टिस्ट जो हैं वो जो उस एज ग्रुप में फिट बैठते हैं वो वहाँ पर जाके ऑडिशंस देते हैं, और जिनकी भी वॉइस उस कैरेक्टर पर मैच करती है तो वो जो है चैनल या फिर क्लाइंट जो होते हैं वो उन्हें चुनते हैं। तो मिकी और जेम्स के लिए मैं ऑडिशन देने के लिए गया था, और ऑडिशन के थ्रू ही उन्हें मेरी आवाज़ अच्छी लगी तो मुझे सिलेक्ट किया गया। सर, जितना मज़ा हमें जेम्स के कैरेक्टर में आता है, इतनी हंसी आती है, और वैसा ही डाइची का भी एक कैरेक्टर है, उसे देखकर इतनी हंसी आती है कि कंट्रोल के भी बाहर हो जाती है। तो सर, आपने तो उसे डब किया है, तो आपको कितनी हंसी आई थी उसे डब करते हुए, वो भी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। बेब्लेड जो सीरीज़ है वो बहुत ही कमाल की सीरीज़ है, तो जाहिर सी बात है जितने भी लोगों ने उसमें काम किया है सबको बहुत मज़ा आया होगा, मुझे भी बहुत मज़ा आया। और किसी भी सीरीज़ में ह्यूमर का होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि ये कि उसे लिखा किसने है और उसे कैसे लिखा गया है। तो बेब्लेड बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया था, और जाहिर है उसकी लाइंस भी काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे करने में मज़ा आया, और आई एम श्योर कि जितने भी लोग इसमें थे, जितने भी आर्टिस्ट इसमें थे, सबको मज़ा आया होगा। सर, मैं आपसे फोर्थ क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि हम लोग पोकेमॉन के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और हमें बहुत इंतज़ार रहता है न्यू सीज़न या मूवी का, पर अनफॉर्चुनेटली हमें अभी कोई भी न्यू सीज़न या मूवी नहीं देखने मिल रही है। तो क्या कोई नई सीज़न या मूवी पर काम चल रहा है, तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें बहुत इंतज़ार है आपकी वॉइस में पोकेमॉन को सुनना, पर हमें वो देखने नहीं मिल रहा है। देखिए, ये टेलीकास्ट से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं हम उनके बारे में कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लॉज हैं डबिंग के उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा। तो हाँ, हमने कई
सीजन किए हैं अभी फिलहाल, हमने 12th सीजन ख़त्म किया है, उसका डब हो गया है। एक फिल्म भी हमने डब की है नेटफ्लिक्स के लिए, जिसकी जानकारी आपको शायद उनके वेबसाइट पर मिल जाएगी। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं दे पाएंगे। जैसा कि आप सबको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि नेटफ्लिक्स पे एक 3D मूवी आने वाली है, म्यूटो स्ट्राइक्स बैक इवोल्यूशन, जो कि हिंदी डब में आ गई है, तो आप नेटफ्लिक्स पे उसे जरूर देखिएगा। उसमें सर ने ही जेम्स को आवाज दी है। मैंने भी वो मूवी देखी है और डबिंग बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। गाइज, आप सब मुझसे यही क्वेश्चन कर रहे थे कि 12th सीजन क्यों नहीं आ रहा है, तो आपने सर से अभी सुना होगा कि 12th सीजन अभी उन्होंने डब करके दिया है, तो शायद उस 12th सीजन की कुछ डबिंग रह गई होगी थोड़ी बहुत, तो शायद वो डब हो चुकी है, तो शायद हमें देखने को मिल जाए जल्दी वो। सर, 1 ईयर कंप्लीट होने आ गया और पोकेमोन के जो सीज़न की टाइमिंग्स है वो एकदम रात को आता है, कभी 10 o'clock को, कभी 11 o'clock को, तो इससे कोई भी नहीं देख पाता और वो लोग प्रमो भी नहीं दिखाते चैनल वाले, और कोई से भी चैनल पे कभी भी पोकेमोन चालू कर दिया जाता है, जिससे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हो पाती फैंस के लिए और उसे कम सपोर्ट मिलता है। तो सर, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, प्लीज़ वो भी हमें ज़रूर बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है कि जो टेलीकास्ट से संबंधित जो भी फैसले होते हैं वो हमारे नहीं होते हैं, हम आर्टिस्ट जो होते हैं वो डब करते हैं और हमारा काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये टेलीकास्ट का जो काम है, टेलीकास्ट से संबंधित जो भी फैसले होते हैं वो चैनल लेता है, कहीं ना कहीं उनको सही लगता होगा जो टाइमिंग वो दिखाते हैं, तो उसके बारे में वही सही से बता सकते हैं, हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं इसके बारे में। और हाँ, अफसोस मुझे भी है कि टाइमिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक मिल सकें, तो अगर रात में वो दिखा रहे हैं और काफ़ी बच्चे उस टाइम पे सो रहे होंगे, कई स्टडी कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो उस टाइम पे देख नहीं पाएंगे, तो मुझे लगता है कि चैनल को इस बारे में सोचना चाहिए और किसी प्राइम टाइम में पोकेमॉन को दिखाना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा शो है और लोग इसे पसंद करते हैं, तो इसे प्राइम टाइम में ज़रूर दिखाना चाहिए। और अफसोस मुझे भी है कि इसका जो टाइमिंग है, जब से रात में कर दिया जाता है और वो भी बिना प्रोमो दिखाए, तो वो शायद सही नहीं है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम पोकेमॉन को सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। सर, हम पोकेमॉन को सपोर्ट करने के लिए क्या करें, मुझे लगता है कि आप लोग जो कर रहे हैं यही बहुत कर रहे हैं। फेसबुक पर या यूट्यूब पर जो आप इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं, इससे हमारे इंडियन एनिमी फैंस को काफ़ी जानकारी मिलती है, और इसके साथ साथ जितने भी आर्टिस्ट शो में जुड़े हुए हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है कि लोग जानते हैं उनके बारे में। जैसे आप ये जो इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके थ्रू काफ़ी लोग जान पाएंगे कि जेम्स की वॉइस कौन है, तो कहीं ना कहीं आप एनिमी के जो फैंस हैं उनके लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, जितना आप लोगों से हो पा रहा है, और मैं इस चीज़ को सैल्यूट करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे लोग इस चीज़ को इतना सीरियसली लेते हैं और अपना एफर्ट इसमें डाल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि आप कौन सा कैरेक्टर जो है वो डब करना चाहते हैं, जो कि आपको पसंद है पर आप अभी तक वो डब नहीं कर पाए हैं। मेरे ख्याल से मैं चुनूंगा तो लियोनार्डो को चुनूंगा, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, टाइटैनिक फिल्म से ही उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ उनके फेस पर जाएगी। बस यही है कि हम दोनों के बीच में एज डिफरेंस काफ़ी है, तो उनकी अभी की फिल्में तो नहीं, लेकिन जो उनकी पुरानी फिल्में हैं उनमें मैं ज़रूर करना चाहूँगा। सर, आप मिकी माउस को अपनी वॉइस देते हैं, तो क्या आप कभी डिज्नीलैंड गए हो, ये भी हमें प्लीज़ ज़रूर बताइए। सर, आप मिकी को वॉइस देते हैं, तो क्या आप कभी डिज्नीलैंड गए हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं कभी जाना ज़रूर चाहूँगा, कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है मैंने सुना है, और मिकी को डब करना वाकई में एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहूँगा कि एज अ वॉइस ऑफ मिकी माउस मुझे डिज्नीलैंड ज़रूर जाना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्दी जाऊँगा। सर, आपका फेवरेट पोकेमॉन कौन सा है, ये जानने में भी बहुत खुशी होगी, तो आप प्लीज़ वो भी हमें बता दीजिए। मेरा फेवरेट तो पिकाचू है, मुझे लगता है कि हर किसी का फेवरेट पिकाचू होगा, तो मेरा भी फेवरेट पिकाचू है, और आप सबका फेवरेट जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी जब ये वीडियो देखूं और कमेंट चेक करूं तो मुझे पता चले कि और बाकी लोग उन सबका फेवरेट क्या है। सो गाइस, अभी जाके अपनी फेवरेट पोकेमॉन कमेंट कर दो, ताकि सर जान पाए कि आपकी फेवरेट पोकेमॉन कौन सी है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि पोकेमॉन की XY सीरीज जो 2015 में हंगामा पे एयर हुई थी पर उसे स्टॉप कर दिया, और अब हम उसके आगे का सीजन का वेट कर रहे हैं, तो पर वो स्टॉप क्यों हुई, प्लीज आप हमें बता सकते हैं।
सर पोकेमोन की जो एक्स वाई सीरीज है वो 2015 में आई थी जिसको अच्छी टीआरपी मिली थी, तो उसे बंद क्यों कर दिया गया? देखिए मैंने पहले भी कहा है कि टेलीकास्ट से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे नहीं पता होता। और उसे क्यों बंद कर दिया गया ये इसका जवाब शायद चैनल के पास होगा, वही इसे अच्छे से बता सकते हैं। तो मुझे अफसोस है कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। सर क्या कोई पोकेमोन का न्यू सीजन आने वाला है तो आपको अगर कुछ पता है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बता दीजिए। तो ये जो सवाल है ये अगेन टेलीकास्ट से संबंधित है और मैं कुछ नहीं बता सकता इस बारे में कि उसका नया सीज़न कब तक आएगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जल्दी आएगा। सर जेम्स का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा फनी है, तो क्या आपको वो करते हुए हंसी आती है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ मुझे बहुत हंसी आती है, जेम्स का कैरेक्टर बहुत ही कमाल का है, बहुत ही फ़नी है वो, और मुझे वो करते हुए बहुत मज़ा आता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अगर मेरे टॉप 3 या टॉप 5 मेरे डब्ड कैरेक्टर्स का अगर मैं नाम लूँ तो उनमें से जेम्स ज़रूर होगा। सर जेम्स का कैरेक्टर तो लगभग हर सीजन में होता है और आप ही जेम्स की हिंदी डबिंग करते हो, तो क्या आप हमें बता सकते हो कि जो पोकेमोन का सीजन है उसकी डबिंग कहाँ तक पहुँची है? आई मीन अभी कौन सी सीजन की डबिंग हो रही है? ये सवाल भी मुझे लगता है कि टेलीकास्ट से संबंधित है, तो ये सीजन कब आएगा, डबिंग चल रही है या नहीं, इस बारे में अभी नहीं बता सकता मैं आपको। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि पोकेमोन बहुत ही फेमस सीरीज़ है, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि जितने भी इसके सीज़न हैं वो जल्द से जल्द डब किए जाएंगे और ऑन एयर होंगे। सर आपका अब तक का डबिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है तो प्लीज़ आप वो भी हमें ज़रूर बता दीजिए। बहुत अच्छा, मेरा अब तक का डबिंग एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा है, लगभग 10 साल हो चुके हैं इस फील्ड में और मुझे अब तक बहुत मज़ा आया है और उम्मीद करता हूँ कि मुझे ऐसे ही मज़ा आता रहेगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने काम से आप सबको एंटरटेन करता रहूं और अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देता रहूं ताकि आप उसे एंजॉय करें। सर जी मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप डबिंग कब से कर रहे हैं? मैं डबिंग 2009 से कर रहा हूं। 2009 में मैं डबिंग डायरेक्टर था, बेसिकली मैं डबिंग सीखने के लिए ही स्टूडियो में गया था, तो मैंने डबिंग सीखी 1 साल और 2010 में मैंने डबिंग शुरू की, तो 2010 से 2020 मतलब 10 साल हो चुके हैं डबिंग करते हुए। सर लास्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एनीमे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, इंडिया में एनीमे फैंस तो बहुत है पर एनीमे हिंदी डब की बहुत कमी है। कुछ दिनों पहले नेटफ्लिक्स पे एनीमे रिलीज हुए तो बहुत ही हमें मजा आया वो देखने, साथ ही साथ पोकेमोन की मूवी भी आई 3D वाली, तो क्या कोई एनीमे प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है तो प्लीज आप हमें वो भी जरूर बताइए। लास्ट सर क्या कोई एनीमे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है? नहीं फिलहाल तो किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम नहीं चल रहा है, पर मैं प्रे करता हूँ कि इंडिया में भी पोकेमोन जैसे ही किसी एनिमी प्रोजेक्ट पर काम किया जाए और मुझे भी उसका हिस्सा बनाया जाए। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप अपने फैंस को क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़ वो भी हमें बता दीजिए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, सर आप क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं अपने सारे फैंस को यही कहूँगा कि ऐसे ही अपना प्यार और अपना डेडिकेशन देते रहें हमारे शोज़ को और हमें, ताकि हमें एनकरेजमेंट मिलती रहे अच्छा काम करने की और हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहें और एज अ फैमिली हम सब ग्रो करते रहें। OMG फाइनली गाइस मैंने राजेश सर का इंटरव्यू ले लिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये कोई ड्रीम से कम नहीं है। मतलब जिन कैरेक्टर्स को हम बचपन से देखते आ रहे हैं उन सर का आज मैंने इंटरव्यू लिया, उनसे बात करने का मौका मिला और उन्होंने हमारे फैंस के सारे क्वेश्चंस का जो है आंसर किया, तो मुझे बहुत 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 खुशी महसूस हो रही है। मैंने सर का इंटरव्यू लिया, जिन कैरेक्टर्स को हम बचपन से देख के आ रहे हैं डाइची मिकी माउस जेम्स, उन सर का मैंने इंटरव्यू लिया जिन्होंने उनको डब किया है, तो एक तरीके से मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं जेम्स से ही मतलब जो है इंटरव्यू ले रहा हूँ, जेम्स के कैरेक्टर का ही और मिकी माउस और डाइची। तो सर को बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच राजेश सर, दिस मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच एन ऑसम इंटरव्यू। और हाँ राजेश सर को इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे फॉलो कर लेना, उनका इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रहा होगा और फेसबुक आईडी भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और इंस्टा और फेसबुक दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है तो वहाँ से आप इजीली जा सकते हो और आप उन्हें जाकर फॉलो करो और आप उनसे चैट भी कर सकते हो, ये है उनका अकाउंट और ये है उनके यूजर आईडीज। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करो, 500 लाइक्स पूरे करने हैं और कमेंट करो और फिर सर आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, साथ में शेयर करो चैनल पे, तो सब्सक्राइब करो ऐसे ऑसम पोकेमोन वीडियोस के लिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, जब तक के लिए ट्रू पोकेमोन और एनीमे फैन बने रहे।
रहे। और मैं फिर से लास्ट में थैंक्स कहना चाहूंगा सर को, जिन्होंने टाइम निकाल के इंटरव्यू दिया।